ये भी एक अमरोह में खालिस तो नहीं कह सकते, पर है इसमें भी अमरोह का फी जमाना जो अमरोह चल रहे हैं। तो अभी अभी इसकी टेल छोटी है और इसमें है बहुत लंबी टेल करता है ये। इसकी एज क्या है जी? 4 साल। 4 साल यंग है ये। ये आया था या यहीं पे? यहीं हमारे पास पैदा हुआ है। ठीक है, ये दो मतलब के एक वो जो भाई जुबैर है उनकी ब्रीड और जो आपके चाचा अहमद खान, बिल्कुल ये उनका मिक्स अप है। अच्छा, ये उन उनसे जो आपको ब्लड लाइंस मिली हुई है उनमें से बन रहे हैं आपके? बिल्कुल ये उन्हीं में से बना है। अच्छा, ये जादे वगैरह सफेद रखते हैं अंदर से? अंदर से सफेद रखते हैं। सुनहरी रंग की अंदर सफेद। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। इकबाल भाई, ये कितनी तादाद में हैं आपके पास इसके? हमारे पास काफी सारे हैं। काफी सारे हैं, सही हो गया, दुरुस्त हो गया। ये भी इसकी एज क्या है इकबाल भाई? इसकी एज 5 साल है। अच्छा, इसकी एक आंख खराब है जी? ये बचपन में खराब हो गई। सही सही सही। तो अभी आप इसकी ब्रीड करा रहे हैं? नहीं अली, इसकी अभी ब्रीड, अभी ये कच्चा है, जब कुरीज पूरी कहा जाएगा, लंबी टेलें होती हैं इनकी। सही सही सही। तो फिर इसकी कुरीज कराएंगे। अच्छा इकबाल भाई, ये जो नली है ये गोल नली में है ना जी? ये जी जी। इसका वजन कितना होगा? 2500। 2500। इन ब्रीडिंग की वजह से ये बहुत छोटे हैं। दुरुस्त हो गया। जो इनकी मादियाँ होती हैं उनका वजन कितना होता है जी? वो तकरीबन 1800 से लेकर 1500-1600 इतना वजन। सही हो गया। और ये जो इसके अंदर रंग नजर आ रहे हैं ये, इसमें आपको थोड़े से काले मुर्गे हैं जिसकी वजह से ये काला है। दुरुस्त हो गया। ओरिजिनल तो है नहीं ये, ओरिजिनल अगर कहें तो। सही, अमूमन ओरिजिनल वो खजूरिया कलर का आ जाता है। बिल्कुल खजूरिया कलर का। दुरुस्त है। अभी वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, अच्छा इकबाल भाई, जिन मुर्गियों की नोक टूटी हुई हो उनको दाना वगैरह देने का क्या तरीका कार है? जैसे कि इस मुर्गी की नोक टूटी हुई, ये एक अमरोही मादी थी, आपको असली अभी तो इसकी नोक टूट के ऐसे हो गई है जैसे ये पैरेट बीक है जी ऐसे। तो इसको जो है मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि पूरे बर्तन में जो है बाजरे को भर के रख देते हैं, नीचे कपड़ा लगा हुआ होता है, ये आराम आराम से खा लेती है। दुरुस्त हो गया। दिखा भी देते हैं व्यूअर्स को किस तरह से जो है ना, ये देखें व्यूवर्स, ये इस तरह से इसका बाजरा रखा हुआ है, बाजरा और पानी, इससे ये जो है ना कपड़ा, कपड़े के साथ जब बगैर कपड़े के भी जो है ना इस तरह से ये खा लेती है। ये अब ओरिजिनल अमरोह में क्रॉस है पीले मुर्गों का, इसका कलर भी खजूरिया हो गया और थोड़ा साइज में भी बड़ा हो गया। ये 6 साल का एक एजेड बर्ड है, ब्रीडर बर्ड है। थोड़ी इसकी सेहत खराब है, इसको कीड़े पड़ गए थे, अभी ठीक है। तो ये इसका कब से ट्रीटमेंट चल रहा है इकबाल भाई? ये तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये वो जो आपने दवाई बताई थी नील, कौन सी थी ये जी? इसको नील जान प्लस जो है वो मैंने दी है 1 cc। ये किसी के पास गया हुआ था ब्रीडिंग के लिए, वहीं से कमजोर हो गया है। अब इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाए। सही हो गया, दुरुस्त हो गया। शौक करें जी इकबाल भाई के सूर्य का जी। Bye.
मार मारने वाला। इसकी क्या एज है इकबाल भाई? ये पट्टा है जी, 3-4 साल का है। अच्छा, पट्टा तो नहीं कह सकते, बड़ा मुर्गा है। सही हो गया। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि दानेदार मुंह जो है पहले होता था असीलों का, या ये क्या? ये उसी तरह का है, आप देख लें, छोटी नोक है और इसकी आंखें जो हैं ये बिल्कुल उल्लू की तरह हैं, गोल गोल छोटी छोटी सूजी हुई। सही। तो नजर भी जैसे इनको ऐसे लगता है कि नजर, ये जूं जूं बड़े होते जाते हैं ना जी, तो इनकी आंखें ऐसे ऊपर चढ़ जाती हैं ना कि बंदा कहता है ये तो अंधे हैं। सही 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 सही, दुरुस्त हो गया। पंजाबी च कहते ना यार, डूडन आर मुंह, ये तो मुंह अंजर ही हो गया, डूडन। दुरुस्त हो गया। पानी भी पूरा मरेंदे चले।